नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। फरीदाबाद में भाजपा नेता राजन मुथरेजा की ओर से समर्थन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गुरु गोसाईयों सहित बड़खल विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस अवसर पर राजन मुथरेजा ने मड़ी माला और पगड़ी से अपने सहयोगियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया। मंत्री जी, बड़कल विधानसभा में पहुंचे हैं और काफी संख्या में लोग आपको सुनने के लिए आए। पूरा एक कार्यक्रम पूरे लोकसभा क्षेत्र में संपर्क से समर्थन चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। तो हम जो काम मोदी की सरकार ने पिछले 2 सालों में किए उनको संपर्क से समर्थन, उन कामों के आधार से संपर्क कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद। और लोगों का ये जुनून से उमंग उत्साह बताता है कि तीसरी बार इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का देश के लोग मन बना चुके हैं। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगी। बाराबंकी में लोक निर्माण मंत्री जितेन्द्र प्रसाद सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां खाद्य और रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और संजय तिवारी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत किट बांटे। लोगों को हर संभव मदद करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मौजूद रहे। समस्या का है? समस्या का भैया, 5 साल घर गिर गया, ना घर गिरी मिली और ना कुछ सरकार में हमारा कुछ नहीं होते हैं। और जिनके दो मंजिल बना हो के कॉलोनी मिली है और ना कोई हमारे गांव में खड़ंजा है और ना कोई नाली के व्यवस्था है, ना निकास है। कहूँ समस्या है ना, 5-6 जन का परिवार है, यह मड़ैया उतरनी में यहाँ कतरी देर बर्दाश्त नहीं होते सब। कहूँ इधर निकल भागा थे, कहूँ उधर बोड़ी जाए कोई तो कोई कहीं की जानी बोट डाली। लेखपाल लगे हैं और जो टीम है, आपको लाभ क्या मिल रहा है यहाँ बंदर रहने में? लाभ यहाँ पूड़ी और तहड़ी मिलते है। आप लोग, समस्या क्या है? बाढ़ आई है? हाँ, बाढ़ तो भैया आई है। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हर साल पानी आता है, संध्या सवेरे खाना तो बटा देते हैं, समस्या थोड़ी हाल हो जाती है। तो हम यूँ सोचा चाहिए थे कि हर साल से नहीं, यह ठीक है कि बंधक बाहर हमका थोड़ी जगह दे दिन जाए आवास आवास, तो अपन वही में यहाँ करी खाई सदा के लिए। हर वर्ष बाढ़ आती है? हाँ, हर साल बाढ़ आती, घर के चारों तरफ बाढ़ भरी है, पानी भरा है और टटियन छपरन के नीचे सब देखो सांप कीड़े ने रेंग रहे, वही में यहाँ बसर गुजर करना पड़ता है। किया गया है किस तरह के निरीक्षण किया गया है और क्या पाया गया? आज यहाँ स्थल पे पहुँचे हैं जहाँ लोग बाढ़ प्रभावित हैं और लोगों की समस्याएं सीधे सीधे हमारे साथ साथी मंत्री श्री शर्मा जी के साथ हैं और जनता ने बताया है कहीं सड़कों की और कहीं एक बड़े पुल की मांग है। इसका यहाँ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उसके एस्टिमेट और सर्वेक्षण करके एक रूपरेखा तैयार करें। ये बड़ी परियोजनाएं हैं मगर ये सरकार प्रतिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ सब लोग, सरकार भी, शासन भी और पार्टी के कार्यकर्ता भी, सभी लोग राहत कार्यों में जुटेंगे। राहत सामग्री वितरण हुए हैं, खुद भी देखा है, जो लोग जिनको अपने घर उजड़ गए हैं या जल मगन हो गए हैं उनकी पुनर्स्थापना जहाँ की गई है, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ जिला प्रशासन द्वारा दवाइयों से लेकर राशन और तिरपाल तक का इंतजाम किया जा रहा है, बिजली पानी की व्यवस्था कराई जा रही है और जहाँ आगे जरूरत पड़ेगी धन की कोई कमी नहीं है, पूरी ताकत से और पूरी दमदारी से प्रयास किया जाएगा कि एक एक जो व्यक्ति है जो प्रभावित है उसको सरकार सहायता पहुँचे। धन्यवाद। खबर उन्नाव से है, जहां बारिश का कहर अब मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है। गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और हालात ये हैं कि गंगा नदी खतरे से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बांगरमऊ के अलावा बिघापुर तहसील के उफनाती गंगा में बाढ़ का कहर बरपाने लगी है। किसानों के हजारों बीघा फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। 7 मोहल्लों में गंगा का पानी घुस गया है, जिससे कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। वहीं डीएम अपूर्वा दुबे का दावा है कि राहत शिविरों के माध्यम से लोगों की मदद की जा रही है।
बूढ़ा मैं भैया रह रहे हैं, सब घर में पानी भरा है, मकान में है डूब रहा है, सब फसल चली गई है। कितना पानी भर गया है? पानी वहाँ कम से कम नहीं 1-2 फुट हाई है, पूरे गांव पानी भर गया। पूरे गांव में पानी है, चौफेर पानी है, घर में घुस रहा है। खाना पीना यहाँ किसे खाते पीते? अब खाना पीना भैया जो कुछ आटा दाल लाए हैं यहीं सेंकते खाते हैं, क्या करें, कहाँ मर जाए जाए बूढ़े में। नाव व्यवस्था की गई? अरे नाव व्यवस्था भाई है थोड़ी बहुत, तो भाई है तो जा तो रहे हैं, कैसे जाए। प्रशासन जो खाना के लिए कह रहा था दिया कि नहीं दिया अभी तक? भैया खाना का आज आया है खाली ताड़ी बस, इसके पहले नहीं आया, इसके पहले कुछ नहीं आया है। कितने लोग घर में हैं आपके? आप 5 लोग हैं हम। कैसे ले रहे हो दादा, अब कैसे बताऊं भाई, बहुत सामना पड़ रहा है, करके आने जाने में परेशानी, खाने पीने में परेशानी, जैसे लड़का बच्चा पल है जैसे नटवा पल है, ये गुजर रही भैया। सर प्रशासन की तरफ से कुछ दिया गया खाने पीने का सामान? हाँ आज कुछ व्यवस्था हुई है, इसके पहले कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोगों को आटा दिया गया, चावल दिया गया, तेल दिया गया, तिरपाल दिया गया, कितना कितनी सच्चाई है भैया? हवा तो सुना मगर मिला नहीं हमका लोगों। गांव पानी भर गया है? हाँ पानी भर गया। कैसे रह जाओगे? फरीदाबाद में ब्रज मंडल की ओर से 9 मई धार्मिक यात्रा निकाले जाने के ऐलान के बाद जिले के अन्य हिस्सों में नाके लगाए गए हैं, जिससे सामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। पुलिस की ओर से बाहरी राज्यों की गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों में किसी किस्म की अशांति न फैल सके। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 250 बाहरी गाड़ियों को चेक किया जा चुका है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर नाका लगा हुआ है टूल टैक्स पर, क्या वजह है जो आज भी नाका लगा हुआ है और इतनी गर्मी पड़ी हुई है, धूप आप खड़े हुए? ये नाका लगा हुआ है जो मेवात में नूह में ब्रज मंडल शोभा यात्रा को लेकर कुछ से जो धार्मिक संस्थाएं हैं गुट हैं उन्होंने यात्रा निकालने का ऐलान किया हुआ है और इस बारे में सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी रूमर्स चले हुए हैं, जिसके कारण जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ सकता है और जो कुछ असामाजिक तत्व है वो अशांति फैला सकते हैं। अलीगढ़ में एंटी करप्शन टीम की ओर से सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। धारा हटाने के लिए सब इंस्पेक्टर की ओर से 10,000 की रिश्वत मांगी गई। वहीं एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया है। सब इंस्पेक्टर पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने निलंबित भी कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर थाना गांधी पार्क में तैनात थे। थाना गांधी पार्क में एक उप निरीक्षक को गिरफ्तार भी किया गया है। एंटी करप्शन टीम अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ द्वारा थाना गांधी पार्क में नियुक्त एक उप निरीक्षक को ट्रैप कर गिरफ्तार किया गया है। उप निरीक्षक के विरुद्ध एंटी करप्शन टीम द्वारा थाना सिविल लाइन में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन लगातार इजराहवा निवासी संपर्क में रहा। जब हम हैदराबाद चले गए तो वो भी उसके पीछे हैदराबाद पहुंच गया और लगातार उसे शादी का झांसा देने लगा। युवक ने मारपीट करते हुए जेवर भी छीन लिया, जिससे उसके पति ने नाराजगी में तलाक ले लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पीड़िता ने बताया कि अब अहमद रजा शादी करने के वादों से पीछे हट रहा है। हमारे ससुराल पक्ष के लोग भी अब भी मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे। इस मामले में सीओ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। मैं उससे प्यार करती थी। कितना दिन पहले? 3 साल से। अच्छा 3 साल से। आगे क्या हुआ? बात भी बराबर करते थे, वो मुझसे बराबर मिलने आते थे, फिर मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल चली गई। आपकी शादी कहाँ हुई थी? कोल्ही बिनोनी, बलरामपुर जिला है। बलरामपुर जिले में। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने ससुराल चली गई, फिर वो मेरे ससुराल से मैं हैदराबाद चली गई, मेरे पति लेके चले गए, फिर वहाँ हैदराबाद तक हो गया मेरे साथ। मैं गई, मेरे पीछे वो आया, सुना हैदराबाद गई हैं, फिर हैदराबाद भी आया, फ़ोन पे बात होती थी, हैदराबाद आया, फिर बात करते हुए मेरे पति देखते थे तो ये मुझे रास्ता बताता था कि बोल दो मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो मैं ऐसा बता देती थी अपने पति को। तो फिर मामला है, अपने बिटिया का लावे चली गए,
10 बजे चली गए तो गांव में आए के मेरे घर में घुसा। कौन था, क्या नाम था उसका? अहमद रजा। कहाँ का है? कहाँ रहने वाला? जिराहमा का। अच्छा। अब गांव घर में घुसा, गांव वाले देखी तो बहाल लगाई पिटिया, हमारे घर में क्यों रहा नहीं। अब आवा अपने अपने जो दिल का इस तरह नफा नुकसान किए हमारे घर में। ओकरे बाद में यहाँ गांव वाले जुटे और जेवर और सब लेके चला गए। फरीदाबाद में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मानसिंह और उनकी टीम पर एक निजी अस्पताल संचालक ने लूटपाट और फर्जी कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस संबंध में निजी अस्पताल संचालक को इसकी शिकायत भी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की गई है और अब डॉक्टरों की टीम पर कार्रवाई को लेकर गुहार लगा रहे हैं। इस लूटपाट में 2 लाख रुपए और कुछ सोने के आभूषण भी शामिल हैं। सुल्तानपुर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चालू है। हाल ये है कि बिना नक्शे के हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत एसडीएम सदर को दी गई तो वहां पहुंचने पर उन्हें सब कुछ सही लगा, लेकिन जहां अवैध निर्माण हो रहा है वहां तक एसडीएम साहब पहुंचे ही नहीं। दरअसल पिछले कई दिनों से अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। लगातार हो रही शिकायतों के मद्देनजर एसडीएम निरीक्षण पर निकले हुए थे। इस दौरान एसडीएम ने निर्माण कार्य रुकवाया, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली गए। रामलीला मैदान परिसर में कई दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ना ही वहां लेखपाल पहुंचे और ना ही आला अधिकारी। क्या मामला है सर, आप यहां पे? काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, नगर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत रखते हुए आज पूरे शहर में आकस्मिक चेकिंग की जा रही है, लेकिन ये पाया गया कि काफी लोगों के इसमें नक्शे पास हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने निर्माण कार्य के सामने उसको डिस्प्ले नहीं कर रखा है, जिससे एक कंफ्यूजन भी हो रहा है नक्शे पास है नहीं। तो जितने लोग नक्शे पास, सबको निर्देश दिया जा रहा है कि आप अपना डिस्प्ले करिए लिखवा करके, जो भी आपको अनुमति मिली है, और बाकी जहाँ भी अवैध निर्माण पाया जाएगा अभी हम जाँच करने निकलेंगे, अभी जाँच करेंगे। जिन लोगों भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी संगत धाराओं के साथ की जाएगी। झांसी के नेशनल हाईवे में एक ढाबे पर माल से लोड गाड़ी आकर खड़ी हो गई, गाड़ी से पानी फैल रहा था। मौके पर होटल संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को खुलवा कर देखा तो उसमें मांस भरा हुआ था। जानकारी के अनुसार ये गाड़ी आगरा से उन्नाव जा रही थी। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर मांस को JCB से गड्ढा खुदवा कर गड्ढे में बंद करा दिया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारा नाम सैन राजपूत अटरिया के हैं। अच्छा, ये होटल बना है किसका है? हाँ जी, हमारा। अच्छा, यहाँ पर क्या मामला हो गया? अरे वो रात को 1:30 बजे के समथिंग ये गाड़ी आई तो बस यहाँ ने पार्किंग में खड़ी की। कौन सी गाड़ी है ये? खड़ी है सामने पिकअप है, कोई लोडिंग गाड़ी है। हाँ। तो बस वो लोग खड़े हो गए, बोले खाना खाने ले आ रहे हैं बस, पर वो काफ़ी टाइम तक आए नहीं। उनके पास गए, भैया क्या हो गया, मतलब उससे निकल रहा था पानी, उनसे पूछा ये पानी क्यों नहीं निकल रहा, इतना आपको पूछा, बस वो भाग खड़ी हुई। बस हमें लगा मतलब कुछ समझ नहीं, कुछ नंबर दो का मालूम, तो मैंने बस पुलिस को मतलब इत्तला की। उसके बाद पुलिस आई, बस उन लोगों ने अपनी कार्रवाई की। क्या निकला है इसमें? कुछ मांस वगैरह है। मुरादाबाद में यूट्यूबर की हत्या में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया है। SP ग्रामीण संजीव कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक और हत्यारोपी आपस में दोस्त थे। आरोपी सुरेश ने बताया 4 महीने पहले वो अपनी कार लेकर जितेंद्र के साथ लखनऊ गया, वहां कार चेकिंग के दौरान सीज हो गई। दरअसल जितेंद्र घर वापस नहीं लौटा, तब परिजनों ने काफी तलाश किया, इस दौरान गाँव के जंगल में उसका शव पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने उसके दोस्त सुरेश पर शक जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और तब उसने सारी घटना बताई है। ठाकुर द्वारा का एक मर्डर केस था, ठाकुर द्वारा के सुरजन नगर चौकी क्षेत्र का। इसमें हमें 25 तारीख को एक गुमशुदगी मिली थी मृतक के घर वालों से कि उनका बेटा अभी तक घर लौटा नहीं है। तो पुलिस जब गुमशुदगी दर्ज कर दी गई और पुलिस द्वारा टीम गठित की गई, टीम गठित में पुलिस द्वारा प्रयास किए गए और सुबह उस व्यक्ति का शव ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के ही ताराबाद एक गांव है, वहां पर उसके गन्ने के खेत में उसका शव मिला। शव मिलने पर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव की शिनाख्त गुमशुदा व्यक्ति के, जो नाम जिस
जिसके गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसका नाम जितेंद्र सिंह था, उसके रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और हमने सारे एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद में हमने मृतक के मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई और घर वालों से बातचीत की, तो उन्होंने एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया, जिसका नाम था सुरेश। सुरेश मृतक का दोस्त था, साथी था। हमने सुरेश को सुरेश को अरेस्ट किया। आज अरेस्ट करने के बाद में सुरेश से हमने कड़ाई से पूछताछ की, तो सुरेश ने अपना जुर्म कबूला। कुशीनगर में दो लड़कियां बड़ी गंडक नहर में कूद गई। नहर के पास उन दो लड़कियों का कपड़ा और दो जोड़ी चप्पल बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार गंडक नहर में पानी ज्यादा और तेज बहाव की वजह से गोताखोरों ने ढूंढने की कोशिश की। वहीं मौके पर पहुंचे SHO ने घटना की जानकारी ली। SDM ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और SDRF की टीम को बुलाने के लिए पत्र भी भेजा है। 10-11 बजे के आसपास दो लड़कियों के डूबने की सूचना मिली है यहाँ बनार इकलौटी के पास, तो पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम यहाँ पर मौजूद है और लोकल गोताखोरों के माध्यम से अभी उनको खोजने की कोशिश जारी है, परंतु अभी सफलता नहीं मिल पाई है। अभी हम SDRF से हमारी बात हुई है, 1.5-2 घंटे में टीम आ जाएगी, उसके बाद जिला स्तर से इसकी खोज की जाएगी। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।